अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। इनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इस ग्रंथ के द्वितीय लंब माने सेकंड चैप्टर से हमने कल चर्चा प्रारंभ की थी। सुंदर कहानी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। आर्य नंदी नाम के गुरु ने बालक जीवंदर कुमार को सभी प्रकार की विद्याएं और ज्ञान सिखा देने के उपरांत मूड में बैठे थे और एकदम यह कहा कि चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और पुरानी कहानी पुरानी स्टोरी सुनाना शुरू किया और कहा किसी समय विद्याधरों की नगरी में एक लोकपाल नाम के राजा राज्य करते थे। राजा लोकपाल एक दिन अपने घर की छत पर खड़े ऊपर देख रहे थे तो अचानक बादलों को विघटित होते हुए देखा और ऐसा देखकर उन्हें जगत की क्षणभंगुरता का ख्याल आया और उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। वे दिगंबर मुनि हो गए। सच्ची बात है, जगत की क्षणभंगुरता का ख्याल आए, जगत के स्वरूप का विचार कर, संसार शरीर और भोगों के स्वरूप का विचार कर वैराग्य ना हो ऐसा नहीं होता। काल लब्धि यदि आ गई हो तो ऐसा सहज ही हो जाता है। उपादान की योग्यता जब अंदर में जागृत होती है तो कोई भी बाहर में निमित्त मिल जाता है और कार्य हो जाता है। देखिए मुनि तो हो गए वे राजा, कहानी सुना रहे हैं आर्य नंदी जीवंदर कुमार को। मुनि तो हो गए, अचानक एक दिन उन्हें भस्मक रोग हो गया। 132 नंबर पेज 11 नंबर का यह श्लोक देखें क्या कहते हैं। तपांसि तप्यमानस्य तस्य चासीदहो पुनः भस्म काख्यो महारोगो भुक्तम यो भस्म ये क्षणात्। क्या कह रहे हैं, अहो खेद है, तप को तपते हुए तपस्वी उन मुनिराज को भस्मक नाम का ऐसा महारोग उत्पन्न हुआ जो रोग खाए हुए अत्यंत पौष्टिक पदार्थ को भी क्षण मात्र में भस्म कर देता है। ऐसा भस्मक नाम का रोग, आपने पहले भी ये चर्चा सुनी होगी, समंत भद्राचार्य को भी एक ऐसा ही रोग हो गया था। कभी कभी दिखता है कई कई लोगों में, कभी किसी बच्चे में ऐसा दिखता है। भले ही ऐसा वो रोग ज़्यादा तीव्रता में ना हो लेकिन भोजन करने के 15 मिनट बाद में फिर कहता है भूख लग गई, थोड़ा सा खाया, भरपेट भोजन कर लिया, खूब खा लिया और 10-15 मिनट आधे घंटे में फिर कहता है मुझे तो भूख लग रही। उदय तो किसी का भी आ सकता है, ये तपस्या का फल नहीं है। ये पूर्व में जब तपस्या नहीं करते थे तब जो कर्म बांधा था उसका फल है। भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ 12वें गुण स्थान पर उपसर्ग, कोई बात नहीं, तब भी पाप कर्म, 10वें 12वें गुण स्थान की स्थिति में भी उपसर्ग की परिस्थिति बन गई पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर, क्या हो गया उसमें, तब भी पाप कर्म का पीछा नहीं छोड़ा। पाप कर्म का उदय आ रहा है, पाप कर्म बिगाड़ क्या पा रहा है,
पाप कर्म का उदय आ रहा है बार बार में, उसने क्या बिगाड़ लिया? अच्छा, हम कहते हैं पार्श्वनाथ के ऊपर इतने पत्थर ओले बरसे, पार्श्वनाथ स्वामी का क्या बिगड़ गया? कुछ तो बिगड़ा होगा उनका, आ रहा होगा पाप कर्म का उदय, कोई बात नहीं। बाहर में आने वाली विपत्तियों की तरफ ना देखो, तो विपत्तियाँ आती हैं, आके चले जाती हैं, हमें क्या लेना देना है उससे? हो रहा होगा, चल रहा होगा, हमें कुछ लेना देना नहीं उससे। दृष्टि बदल गई, नजरिया बदल गया उनका, दृष्टि बाहर से हट गई, अपने स्वभाव की तरफ चले गई, अब तकलीफ नहीं होती है। भस्मक रोग हो गया। मैं जिन पारिवारिक लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ चेहरे आपके दिमाग में घूम रहे होंगे कि भोजन करने के बाद भी भूख लगती है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं असर भस्मक जैसा ही दिखता है, थोड़ा बहुत। जैसे होता है ना, किसी को 100 डिग्री बुखार है, किसी को 103 डिग्री बुखार है, 105 दिख, तो असर उसका जो है वो है ऐसा ही कि अंदर में जो जठराग्नि है वो इतनी ज़्यादा तेज हो गई है कि वो कुछ भी भोजन अंदर जाता है वो भस्म हो जाता है, तुरंत खत्म हो गया, तो अब फिर लगता है और खाऊं और खाऊं। ऐसा रोग किसे हो गया? आर्यनंदी नहीं, लोकपाल मुनि मुनिराज लोकपाल को हुआ है ऐसा, जो मुनि हो गए थे। देखिए सरल अर्थ, यह अत्यंत आश्चर्य एवं खेद की बात है कि अति कठोर तप करने वाले मुनिराज को भी ऐसा भस्मक रोग हो गया, जिस कारण खाया हुआ पौष्टिक अन्न भी क्षण मात्र में ही भस्म होने लगा। ये आश्चर्य की बात है सच में मुनिराजों के जीवन में भी। और देखो, इतने संयम से रहते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, बीमारियों का क्या काम? फिर भी आ गई तो आ गई, क्या करो उसमें। कभी कभी दिखता है ऐसा, बाजार का कुछ खाते नहीं है, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, छना हुआ पानी पीते हैं, मर्यादा का भोजन लेते हैं, समय से टाइम टू टाइम लेते हैं, रात्रि भोजन करते नहीं हैं, खाने पीने में इतनी सावधानी, बहुत सोले का चौके में बहुत मर्यादा से ऐसे बना हुआ शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करे, अब बोले कैंसर हो गया इनके। अब कैसे कैंसर हो गया, ये क्या चक्कर है? कोई व्यक्ति सिगरेट पीता हो और कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, कोई व्यक्ति गुटखा बहुत खाता हो और कैंसर हो जाए, तो हमें लगता है कि देखो ये इस वजह से हो गया। अब ये इनका तो खान पान इतना पवित्र है, फिर क्यों हो गया? कि सुनो, पाप कर्म के उदय में अच्छे अच्छों के कैंसर हो जाता है। जब तीव्र पाप कर्म का उदय आता है ना, कौन सा कर्म का उदय कब उदय में आएगा हम नहीं कह सकते, कभी भी किसी के भी किसी भी प्रकार का कर्म का उदय आ सकता है। हाँ, वर्तमान में किए गए धर्म का फल ये नहीं है, वर्तमान में किए गए शुद्ध सात्विक जीवन रूप जो आचरण था, जो परिणाम थे, उसका फल नहीं है कैंसर, पिछला आ गया है कभी उदय में। जब वर्तमान में कोई पाप होता हुआ नजर न आवे तो हमें प्रथमानुयोग यह सिखाता है, देखो पीछे। करणानुयोग ये कहता है, अभी कोई पाप नहीं किया लेकिन कभी, अभी नहीं किया लेकिन कभी किया होगा। कल शाम को ऐसी चर्चा थी कि सम्यक दृष्टि का जीवन तो शांत होता है, उसके तो पाप कर्म को उदय नहीं आता। सम्यक दृष्टि का जीवन बहुत शांत होता है, उसको पाप का तीव्र भाव नहीं आता। पाप का उदय तो आ सकता है, अलग अलग चीजें हैं। आप यदि इसकी भिन्नता को पहचान लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाप कर्म का परिणाम और पाप का उदय, पाप का उदय ज्ञानियों के जीवन में भी आ जाता है, लेकिन पाप परिणाम खोटा भाव, वर्तमान को बिगाड़ने की परिस्थिति, ये ज्ञानियों के जीवन में नहीं होती। अरे पाप कर्म का उदय तो ये मुनिराज कितने उदाहरण है अपने सामने, माथे पे जल रही है सिगड़ी, मतलब शालनी खा रही है और रुई में लपेट कर आग लगा दी, और 500 मुनिराज और घानी में पेल दिया गया। वो ये क्या हो रहा है, ये कौन है, कौन कर रहा है ये सब? पाप कर रहे हैं वो मुनिराज? नहीं नहीं, 700 मुनिराजों के ऊपर भयानक उपसर्ग, 7 दिन तक चारों तरफ अग्नि जला दी गई, घास लगा दी गई, उठ नहीं सकते, कंठ रुद गए हो, धुआं ही धुआं अंदर भर गया हो, क्या स्थिति हुई होगी? पाप का उदय था कि नहीं?
ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग है, साथ में भी हो सकता है, कभी कुछ ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है। तो ये पाप कर्म का उदय तो आया, पाप नहीं कर रहे, धर्म कर रहे। अरे उस पाप कर्म के उदय के काल में भी वे मुनिराज ऐसा धर्म कर सकते हैं कि अभी भगवान बन जाए। ये पाप कर्म का फल जिसके निमित्त से आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उपसर्ग करता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 मिनट बाद में देखना पिक्चर का जब एंड होगा तब क्या होगा। अभी ये जो मजे करते हुए विलेन दिखाई दे रहे हैं ना आपको, अरे क्या गाड़ियों में, अरे ऐसे गाड़ियां चलती है एक के पीछे एक, 5-7 गाड़ियां ऐसे लाइन से, और जब उतरता है तो उसकी जो वीडियो दिखाते हैं, रिकॉर्डिंग जैसे दिखाते हैं, क्या ठाट से चल रहा है, और गले में 5-5, 7-7 ऐसे सोने से लदा हुआ और चैन ब्रेसलेट भारी दिखता है ना ऐसा। और फिर वो काली गाड़ी से उतरेगा, सफ़ेद गाड़ी से उतरेगा और चश्मा उतारेगा, क्या ठाट दिख रहे हैं आपको, ये सुनो अभी ये दिख रहा है तुम्हारे को। 5 मिनट 10 मिनट बाद में, आधे घंटे बाद में जब पिक्चर एंड होने लगेगी ना तो आपको पता लगेगा वो कैसे हाथ पांव जोड़कर नजर आएगा। अभी पिक्चर तो बाकी है क्या, ये उपसर्ग कर रहे हैं बड़े बड़े लोग। आपको लगता है राजा बलि ने क्या उपसर्ग किया, अरे सुनो वो बलि एक मुनिराज क्या एक श्रावक का वेश बना करके जब ये विष्णु कुमार आ गए, हाथ पांव जोड़ता फिरा, चरणों में पड़ गया, जगह नहीं मिली उसको कुछ। ये है एंड। ये जो कर्म आज आपको ऐसा दिखाई दे रहे हैं, क्या उदय आया कर्म का, अरे क्या कर्मों ने भाई साहब अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा, ये सुनो अच्छे अच्छों को नहीं बुरों को नहीं छोड़ा। अच्छे अच्छे लोग तो इन कर्म से दृष्टि हटाकर स्वभाव में जम गए, अब कर्मों को छोड़ के भागना पड़ा उनका घर, कर्मों को उनका घर खाली करना पड़ा, परिस्थिति बदल जाती है। यहाँ देखो भस्मक हो गया, भूख लगने लगी, पीड़ा होने लगी, क्षण मात्र में खाया हुआ पौष्टिक भोजन भी भस्म होने लगा। भस्मक रोग होने का कारण क्या है, कारण क्या था? नहीं वारी तुम शक्यम दुष्कर्माल्प तपस्या विस्फुलिंगे न किम शक्यम दग्धो मार्द्रम पिंधनम। देखो क्या कह रहे हैं भाई, निश्चय से थोड़ी सी तपस्या के द्वारा खोटा कर्म निवारण के लिए कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं, निश्चय से नीतिकार कह रहे हैं, थोड़ी सी आपने कोई तपस्या कर ली तो कोई खोटा कर्म निवारण के लिए कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। क्या अग्नि की जरा सी चिंगारी से गीला ईंधन जलने के लिए समर्थ है, बिल्कुल जलने के लिए समर्थ नहीं है। ये थोड़ा सा उसने तपस्या कर ली किसी मुनिराज ने तो क्या उसका पाप कर्म सब नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए जैसे अग्नि की अल्प क्षीण चिंगारी गीले ईंधन को जलाने में समर्थ नहीं है, वैसे ही अल्प तपश्चर्या से अतिशय महान पाप कर्म का निवारण कोई भी नहीं कर सकता है। माने थोड़ी सी तपस्या करके आप बहुत पाप का निवारण कर लो, ऐसा नहीं होगा। सुनो किसी व्यक्ति ने ये कहा, देखो भाई आपकी जो दुकान चलती है ना, आप जल्दी क्यों नहीं आते हो प्रवचन में, कि वो ग्राहक रहते हैं, दुकान रहती है, दुकान बंद नहीं होती इसलिए। सो प्रवचन में ऐसा टॉपिक ले लिया, ऐसा समझाने लगे, सुन भैया एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना, ये दुकान तेरे चलाने से नहीं चलती, ये पुण्य से चलती है। क्या ऐसे ऐसे महापुरुष देखे हैं जो रात को 8 बजे नहीं शाम को 5 बजे दुकान बंद करके चले आते, ऐसे ऐसे महापुरुष देखे हैं सुबह 10 बजे भी अपना कोटा पूरा हो गया, दुकान खोलने के 15 मिनट बाद में शटर डाउन करके आ जाए, ऐसे ऐसे महापुरुष। किससे चलती है ये दुकान, पुण्य के योग से चलती है, और पुण्य प्रवचन सुनने से, मंदिर आने से, धर्म करने से बनता है। तो क्या करो, दुकान का शटर डाउन करो, मंदिर आओ, क्या अब क्या करें बोलो। अच्छी बात है, अभी उपाय बतला दिया,
बात तो ऐसी है ना, दुकान का चलना आपकी इच्छानुकूल यदि कार्य है और पुण्य की वजह से होगा, और पुण्य मंदिर आने से, स्वाध्याय करने से, धर्म चर्चा में बैठने से बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब उसने क्या किया, सामने वाले व्यक्ति ने सुनकर शाम को 5 बजे शटर डाउन करना शुरू कर दिया, मंदिर आना शुरू कर दिया 6-6:30 बजे जो भी टाइम जैसा था उस अनुसार। एक दिन हो गया दुकान नहीं चली, 2 दिन हो गया नहीं चली। बोले यार आप तो कहते थे दुकान चलेगी अरे दुकान तो चल नहीं रही है, तो तुम्हारे कहने दुकान चलनी चाहिए थी ना। तो ये आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि थोड़े से पुण्य से जो अभी अभी क्या हुआ है, अभी पुण्य का बैलेंस बढ़ना धीरे धीरे शुरू हुआ है, ये थोड़े से पुण्य से वो ज्यादा किया हुआ पाप कटता नहीं है क्या? उसके लिए आपको बहुत पुण्य चाहिए। किसी व्यक्ति ने थोड़ी सी तपस्या की, थोड़ा सा धर्म ध्यान किया, थोड़ा सा वैराग्य संयम तप इसमें अपना उपयोग लगाना शुरू किया, बोले अब तो मेरे कोई पाप कर्म का उदय नहीं आएगा। कि सुन थोड़ा सा करके तू सोच रहा है कि वो सब निपट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। खाते पर 10 लाख डेबिट होने से 5,000 जमा कराने से क्रेडिट, हाँ क्या होगा, पूरे 10 लाख ही जमा कराने उतना ही कर्जा उतरेगा। इसलिए काम तो इसी से होगा, बात तो सच्ची है। तपस्या से पूर्वबद्ध कर्म भी निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, तपस्या करने से बड़े बड़े पाप कर्म भी उदय में आने के पहले नष्ट हो जाते हैं, संकट मिट जाएंगे आपके तप के प्रभाव से, आपके ज्ञान के प्रभाव से, आपकी साधना के प्रभाव से। यह बात परम सत्य है कि स्वाध्याय पठन पाठन चिंतन मनन इस अभ्यास के करने से आपकी दुकान चलने लगेगी, यह सच है बात है। क्या लेकिन कोई दुकान चलाने के लिए स्वाध्याय करने लगे तो बोले तेरा इंटेंशन ही गलत है, तेरी सोच ही गलत है कि मेरे ऊपर बड़ा संकट आ गया इसलिए मैं तो एक काम करता हूँ दीक्षा ले लेता हूँ। कि तू तो उस संकट से मिटने के लिए, उस संकट से छूटने के लिए दीक्षा लेने की बात कर रहा है, गलत फहमी में है, ऐसा नहीं है। आज बड़ी स्थितियाँ समाज में ऐसी दिखती हैं जो बड़ी विचित्रताएँ दिखाई देती है, जो क्या कहें, जो उंगलियाँ उठती है उसके पीछे कारण ये है कि पिछला जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा और बड़ी बड़ी समस्याओं से बचने के लिए घर छोड़ करके दीक्षा ले। बोलो, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है जो साधु संतों के ऊपर लागू हो। बोलो क्या करें, बोलो ये अच्छा उपाय है? नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, वो अंदर में जब तक पात्रता न होवे तब तक वो काम नहीं होंगे। आपका इंटेंशन गलत है, आप बचने के लिए ये काम कर रहे हो, आपने ये वेश इसलिए धारण किया है कि मेरे ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उसकी सजा नहीं होगी, मैंने दीक्षा इसलिए ले ली है कि 5 करोड़ का जो कर्जा मेरे माथे पर हो गया वो नहीं चुकाना पड़े, मैं तो कपड़े छोड़ दी नंगा हो गया आप कर ले क्या कर लेना, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा भैया, ये बात ठीक नहीं है। पहले सारे निपटाओ सारे झमेले और उसके बाद दीक्षा। अनुकूलताओं को छोड़कर के दीक्षा लेने की चर्चा के लिए तो सारा जिनागम भरा पड़ा है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों से आपत्त से बचकर के दीक्षा लेने का एक उदाहरण नहीं मिलेगा आपको शास्त्रों में। मैंने इसलिए दीक्षा ले ली कि घर में बन नहीं रही थी मेरी पत्नी से, घर में इतने झगड़े हो रहे थे, मैंने कहा यार ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, फिर मैं मरने जा रहा था, फिर सोचा यार मरने से तो अच्छा है साधु बन जाऊं, ऐसे ऐसे थोड़े नहीं चलते। एक उदाहरण नहीं मिलेगा, सारे राजा महाराजा सारे बड़े बड़े लोग बड़ी परिस्थितियां कितनी अनुकूल सब तरफ की दिखाई दे रही है, सारी अनुकूल परिस्थितियों को छोड़ करके दीक्षा ले लेना, नहीं रहना अनुकूलताओं में, क्योंकि ये अनुकूलताएं ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। हमें जगत का क्षण भंगुर स्वरूप समझ में आ रहा है, स्वभाव का अवलंबन होता है, जगत की क्षण भंगुरता दिखाई देती है। ये जगत क्षणभंगुर है और स्वभाव नित्य है, परमानेंट है। क्षणभंगुरता का अवलंबन लेगा तो क्षणभंगुरी हो जाएगा, तकलीफ पाएगा, इसलिए परमानेंट स्वभाव का अवलंबन ले परमानेंट सुख की प्राप्ति के लिए। भस्मक होगी, पाप कर्म का उदय आ गया, संकट आ गया माथे पर, और ये कह रहे हैं कि साहब ऐसे तपस्वियों के ऊपर भी आ गया, क्यों आ गया उनके ऊपर संकट, बड़े बड़ों पर आ जाता है, हम हैं कौन, बहुत बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों के ऊपर आ जाता है, हम हैं कौन, हमारे ऊपर भी आ गया तो क्या हो गया, थोड़ा सा नहीं, मैंने तो तपस्या की थी फिर भी ऐसा हो गया मेरे साथ में,
कि तपस्या तो अभी की थी ना, जो कभी किया था उसका क्या होगा? क्या तपस्या तो अभी कर रहा है, आज के 100 साल पहले क्या किया था, और 500 साल पहले क्या किया था, और 5000 साल पहले क्या किया था, और दीक्षा लेने के पहले 25 साल पहले क्या किया था, वो सब कहाँ जाएगा? सामने वही आ रहा है जो आना था। हाँ, जो आना था वही आ रहा है, आएगा। पुराना किया हुआ तो सामने आएगा, उसे धोया नहीं जा सकता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए गलत कुछ होता ही नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता भाई साहब। प्रकृति में सब जगह पर न्याय है, अन्याय किसी के साथ में नहीं है, अन्याय नहीं होता है किसी के भी साथ में। क्या साता कर्म का उदय आएगा तो भूख कम लगती है, सब परिस्थितियां अलग अलग है। भूख नहीं लगती है उसे भी असाता का उदय समझ लेता है, भूख ज्यादा लगती है उसे भी असाता का उदय समझ लेता है। ये एक्चुअल में क्या है, साता और असाता का संबंध, सुनो, साता और असाता का संबंध आपके परिणामों से है, साता और असाता का संबंध आपकी फीलिंग से है। 3 दिन तक आपको भूख नहीं लगी, आपको डॉक्टर के भागता है, शाम तक फिर भूख नहीं लगी तो डॉक्टर बदल लेता है, एलोपैथिक से आयुर्वेदिक की तरफ भागता है, उससे होम्योपैथिक की तरफ चला जाता है, नहीं तो एक्यूप्रेशर की तरफ चला जाता है, नहीं तो प्राणायाम की तरफ चला जाता है, रामदेव बाबा की शरण ले लेता है। कुछ कुछ तो बताओ इसका कोई, मैं क्या करूं, भूख नहीं लग रही है, मेरे कपालभाति करो, ऐसा करो वैसा करो, इससे होगा कि सुन भाई तू किससे परेशान है, भूख नहीं लगने से, और दूसरा व्यक्ति किससे परेशान था, भूख लगने से। तो भूख लगने से परेशान होता है कि नहीं लगने से परेशान होता है, दुख का कारण क्या है, भूख लगना कि नहीं लगना? सुनो, भोग भूमि के जीव 1 दिन 2 दिन 3 3 दिन में एक बार भोजन करते हैं, 4th दिन भोजन करते हैं, 3 दिन तक निराहार ही रह करके, तकलीफ ही नहीं। वो भी आपने क्या, आपका पेट साफ नहीं हो, डॉक्टर को दिखाता है कब्ज हो रही है, ये हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो बहुत तकलीफ नजर आती है। वो तीर्थंकर नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती कामदेव, इनके आहार को होता है, निहार नहीं होता किसी के भी, वो पुण्य का हो जाए कि पाप का हो जाए, उनके किसी के भी निहार नहीं होता। और यहाँ 1 दिन दस्त नहीं हो तो ये कहता है पता नहीं यार क्या कुछ पेट गड़बड़ चल रहा है, ज्यादा हो जाए तो तकलीफ, नहीं होवे तो तकलीफ। ये अज्ञानी जीव को कहीं शांति नहीं है, ये अज्ञानी जीव दुखी है। माने सुखी होने के लिए एकमात्र उपाय है तत्व ज्ञान की शरण में आओ, इसके बिना सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। ये अज्ञानी जीव जहां रहेगा वहां दुखी रहेगा, जिस हाल में रहेगा दुखी रहेगा, जिस माहौल में रहेगा वहां दुखी रहेगा, क्योंकि इसका माइंड सेट नहीं, ये अपसेट है। घर में सारे सेट हो, सोफा सेट हो, टी सेट हो, सोने के सेट हो, सब सेट हैं घर में, सारे सेट हैं, लेकिन माइंड अपसेट है। बाहर में कुछ सेट नहीं हो लेकिन माइंड सेट हो तो फिर कोई तकलीफ नहीं, क्या फिर बाहर में कुछ भी नहीं हो तो कोई तकलीफ नहीं है, और माइंड सेट नहीं है और बाकी सब सेट है तो बोले इस जीव को कोई सुखी कर सकता नहीं है। सोने के पलने में इसको जुलाओ ना तो सुखी नहीं हो सकता, रत्नों से तोलो इसको तो इसको सुखी करने में समर्थ नहीं है कोई, क्योंकि दुख बाहर में नहीं है, दुख तो अंदर में है ना, तकलीफ तो यहाँ है, समस्या तो इस जगह पर है। तो तकलीफ दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइंड बदलना पड़ेगा। बोलो ये उपाय करना है। कल बड़ा आयोजन है वहाँ मानसरोवर में, एक पारिवारिक समस्याएं और उनका समाधान, 2-3 वक्ता हैं, मैं भी उन वक्ताओं में एक हूँ। कल दोपहर में 1:30 बजे का वहाँ कार्यक्रम है मंदिर में मानसरोवर में, तो बड़ा पता नहीं मेरे को भी ध्यान नहीं, देख लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब समस्या है कहाँ ये बताओ, समस्या कौन सी जगह पर है, माइंड अपसेट है, और माइंड सेट कैसे होगा ये बता दो। चलो माइंड यदि अपसेट है तो माइंड सेट कैसे होगा, मतलब माइंड सेट तो तब हो जब ये अज्जू भैया मुस्कुराना बंद कर दे, अरे तेरे को क्या तकलीफ है इनसे, तू खामे परेशान है ना इनको देख करके,
इन्हें नहीं साहब ये बोलते बहुत हैं, पार्थ जी बहुत बोलते हैं इसलिए मैं परेशान हूँ कि तू जबरदस्ती इनसे परेशान हो रहा है। भाई साहब ये परेशान नहीं करते हैं तेरे को कि नहीं नहीं मैं इनसे बहुत परेशान हूँ, ये तो फटाफट एक मिनट के अंदर मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, ये ऐसा कर देते हैं, वो ऐसा कर देते हैं, मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। ये आते ही नहीं है कभी भी, 15-15 दिन में एक दिन आते हैं शक्ल दिखाने के लिए कि तू जबरदस्ती परेशान हो रहा है, तेरी परेशानी का कारण ये नहीं है। कि नहीं साहब इनको सुधार दो तो मैं सुखी हो जाऊँ, ये सुधरेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो किसको सुधार रहा है भैया, परमी तेरी चलती नहीं है, तू जबरदस्ती दुनिया को सुधारना चाहता है। किसी हाल में किसी को नहीं सुधार सकते, अपने आप को सुधारना होगा। स्वयं नहीं सुधारना चाहता, दुनिया को सुधारना चाहता है। मतलब इसको सुधार दो, इसको सुधार दो, इसमें परिवर्तन कर दो, इसमें चेंजेस कर दो। कहाँ कहाँ बदल रहा है, सारी दुनिया में बदल रहा है, इधर उधर। सुन भाई, इधर बदल, इधर परिवर्तन यहाँ कर। माइंड कैसे सेट होगा, बोले ये जिनवाणी ये माइंड सेट करने का काम करती है, ये दिमाग को स्थिर करने का काम करती है। ये तत्वज्ञान जो हमारे को मिल गया है, ये तत्वज्ञान हमारे चित्त में शांति प्रदान करता है, ये आकुलताओं को मिटाता है, ये टेंशन को मिटाता है, इससे घबराहट मिट जाती है, ये काम होना चाहिए। यदि ये तत्वज्ञान, यदि ये जिनवाणी, यदि ये जैन धर्म, ये जैन सिद्धांत आपके जीवन में नहीं है तो एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लो, कुछ भी कर लो, आप करोड़ इकट्ठे कर लो चाहे 100 करोड़ इकट्ठे कर लो, मिलियंस बिलियंस हो जाए आपके पास में, सुखी नहीं होगा। ये है जीवन जीने की कला, ये है आर्ट ऑफ लिविंग, ये तत्वज्ञान, ये हमारे जीवन को बदलता है। अब देखो समस्या दिख रही है, अरे साहब क्या करें, इतनी तपस्या करी और फिर भी उपसर्ग आ गया, फिर भी भस्मक रोग हो गया। ऐसे तपस्वियों के भी एक टाइम भोजन करने वालों के बेचारे मुनि अवस्था में एक टाइम तो भोजन करते हैं, निरंतर आय मिलता है, विधि मिलने पर मिलता है तो करते हैं भोजन। अब इन पे भी ऐसा आ गया उपसर्ग, ऐसा क्यों हो गया, देखो दिखा रहे हैं यहाँ पे। सुनो भाई, ये जो खोटा कर रहे हैं ना, ये पूर्व का बांधा हुआ है, उपसर्ग वही आते हैं जहाँ सहयोग होता है, ऐसा कुछ नहीं। ये बुनी है तो इनके ऊपर मतलब जो खाने पर ही आया है, ऐसा ऐसा नहीं है। माने किस पर आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इसका कोई नियम नहीं है, किसी तरह का कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। उपसर्ग किसके ऊपर आएगा और किसके ऊपर नहीं आएगा, कोई नियम नहीं है। निमित्त तो उन्हीं को बनाएगा ना जो पास में, ऐसा कुछ नहीं है। ऋषभदेव स्वामी के ऊपर परिस्थिति ऐसी बन गई, उपसर्ग ही था वो एक प्रकार से समझ लीजिए, आपको हार देने की विधि नहीं जानता था ऋषभदेव स्वामी। मैं कह रहा हूँ अजितनाथ स्वामी के ऊपर तो नहीं आया कोई भी संकट, संभवनाथ स्वामी के ऊपर क्यों नहीं आया, अभिनंदनाथ स्वामी के ऊपर क्यों नहीं आया, बोलो सुमतिनाथ है, पद्मप्रभ है, क्यों नहीं आया इनके ऊपर उपसर्ग, चंद्रप्रभ है, पुष्पदंत है, शीतलनाथ है, श्रीनाथनाथ है, वासुपूज्य है, इनके ऊपर क्यों नहीं आया उपसर्ग। यही आप यदि को भी नहीं, जो व्यक्ति करेगा उसी के ऊपर आएगा संकट, ऐसा नहीं है। जिसने पूर्व में पाप किया होगा, पर ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं मिलेगा जिसने पाप नहीं किया हो क्या, इसलिए उदय में तो सबके आता है, किसी ने कम और किसी ने ज्यादा। किसी के ऊपर आया हुआ संकट बहुत भारी संकट दिखाई देता है और किसी को लगता ही नहीं कि कोई संकट आया, संकट तो सबके ऊपर है। अरे आहार चर्या के लिए निकलना ये भी कोई पुण्य के उदय का काम नहीं है, ये उदय तो पाप का ही है, शुदा शुदा का जो उदय है ये कोई पुण्य का उदय नहीं है, निकलना पड़ा ये पाप का उदय है, क्या करें। शरीर को कमजोर होता जाना, तपस्या में बाधा दिखाई दी तो हमें वो समस्या के निवारण उठ करके जाना पड़ा। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को, छठी डाल की लाइनें हैं। ले तप बढ़ावन हेतु, क्यों निकले आहार के लिए, क्यों चले गए आप ध्यान में, साधना में, तपस्या में, अपने उपयोग को स्थिर न होते जाना। बोले आहार ग्रहण नहीं किया तो ये शरीर उपयोग नहीं लग रहा है, जाना ही पड़ेगा, तो जा चलाइए उठ करके। पाप की वजह से कि पुण्य की वजह से, अब आप कहोगे साहब इनके ऊपर तो कोई उपसर्ग नहीं आया, पाप की वजह से तो उपसर्ग आते हैं। पाप की वजह से भूख भी लगती है, पाप की वजह से सर्दी गर्मी भी लगती है, पाप की वजह से कांटा भी लगता है, पाप की वजह से इतनी सब परिस्थितियाँ हैं, उनमें क्या फर्क पड़ गया, हो रहा होगा। बाहर में जो हो रहा है उसे होने दो, जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, स्वीकार करो आप, जो होता है उसे होने दो, परिस्थिति मत बदलो,
बस ये ऐसे वाक्य हैं अपने पास में, ब्रह्म वाक्य जैसे हैं। परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, परिस्थिति मत बदलो, बाहर में कुछ मत बदलो, सोच बदलो। और सोच कैसे बदलेगी कि चिंतन बदलो, कि चिंतन कैसे बदलेगा कि चिंतन के लिए खुराक चाहिए, कि खुराक कहाँ से मिलेगी, ये है ना, यहाँ से मिलती है खुराक, आपको खुराक कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलती है खुराक। आप इस जिनवाणी का अवलंबन लो, आपने यहाँ अवलंबन लिया, सब काम सेट होते चले जाएंगे। एक ही उपाय है दुनिया में, तकलीफ संकट बीमारियां प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन है, इसके अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये सुधार करना चाहता है नौकर्म में, बस कहानी वही 25 मई 2017 पे नौकर्म या इसमें सारी की सारी भागदौड़ कर रहा है, इसमें मेहनत कर रहा है, इसमें दिमाग लगा रहा है। अरे ये तेरे हिसाब से चल नहीं रहे, इनको चलाने वाली कोई दूसरी पावर काम कर रही है, वो है द्रव्य कर्म। ये जितने भी कंट्रोल चल रहा है इनका, ये इनके हिसाब से चल रहा है। अरे नहीं साहब, मेरे हस्बैंड है ना, ये बहुत बुरे हैं, ये अच्छे नहीं है, मैं बता नहीं सकती आपको क्या हाल है। ये जो बेटा है ना मेरा, ये जो हमारे ताऊ जी है ना, ये कितने खराब हैं हम आपको बता नहीं सकते। ये हमारे चाचा जी इतने इतने ज्यादा वो हैं बदमाश, हम बता नहीं सकते। कि सुनो, चाचा जी तो खूब बदमाशी नहीं करना चाहें, लेकिन उनसे कोई बदमाशी करवा रहे हैं। अच्छा, किसी और का हाथ है उनसे बदमाशी करवाने के पीछे? यहाँ क्या और उनसे कोई बदमाशी करवा रहा है? बोले कौन है ऐसा करवाने वाला? बोले तेरे किए हुए द्रव्य कर्म। क्या ये करवा रहे? ये द्रव्य कर्मों ने सुपारी दे रखी है उनको। बोलो अब बदलाव कहाँ करें? अब ये कहता है इनको बदलो। अरे वाह रे वाह, इनको बदलो कि उदय को बदलो? अरे साहब, कर्म तो दिखता ही नहीं है, उनको कैसे बदलूं मैं, ये बताओ कर्म कैसे बदल जाएंगे? कर्म तो दिखते ही नहीं है, कैसे बदलूं कर्म को? भैया बतलाओ कि सुन भैया, परिणाम बदलो। कि वो कैसे बदले जाते हैं? यहाँ रोजाना सुनने के लिए जिनवाणी सुनने के लिए आएगा, परिणाम बदलेंगे। जिनवाणी की शरण लेगा, शास्त्रों की शरण लेगा। और ऐसा नहीं पल्ला झाड़ करके मत उठ जाना, थोड़ी देर बैठ करके चिंतन करना, क्या नीचे उतरते उतरते बात करना इसके बारे में। नीचे उतरते ही तो बात दूसरी शुरू हो जाती है, क्या नहीं चलेगा। थोड़ी देर तक मंदिर में घंटा बजाते हैं ना, थोड़ी देर गूंजता है, बालबोध पाठमाला पाठ 4 में कही थी मैंने चर्चा आपसे, चौथा पाठ था देवदर्शन की विधि, उसमें ये चर्चाएं की थी मैंने। एक बार बजाते हैं तो कुछ देर तक गूंजता है वो जड़ घंटा, वो ये संदेश दे रहा है आपको कि सुनो भाई, एक बार बजता है तो कुछ देर तक आवाज़ गूंजती रहती है, तुम यहाँ से जाने के बाद में यहाँ का असर थोड़ी देर तुम्हारे दिलो दिमाग में गूंजना चाहिए। यदि ख़त्म हो गया तो फिर ख़त्म ही है सब, खत्म नहीं। इसका असर इतना चलना चाहिए कि 23 घंटे बाद जब दोबारा लौट करके आओ तो आपको इसका असर रहे। तब तक कितनी देर, एक लिमिटेड टाइम तक रहता है किसी भी बात का असर। तो आप इतना पावरफुल तरीके से उस बात को ग्रहण करो कि 23 घंटे तक असर रहे। और कभी एक दिन की छुट्टी करनी हो तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पावर चाहिए। और यदि आपने मान लीजिए 5 दिन की छुट्टी कर ली बीच में, मंडे टू फ्राइडे, क्या तो फिर क्या होगा? यदि आपने 5 दिन की छुट्टी कर ली तो इसका मतलब छठे दिन आने के लिए आपको कुछ चाहिए वो पावर, नहीं तो छठे दिन आने का मन ही नहीं करेगा आपको। आप करके देख लो, शादी विवाह आदि किसी प्रसंगों में 5-7 दिन आप मत आओ, फिर क्या होता है? अब फिर वो अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब एक दिन और से अब देखेंगे, अभी तो बहुत काम है, अब सोमवार से करेंगे, अब सोमवार नहीं, अब आज भी थोड़ा सा देखते हैं, अब क्या है, वही तो बातें हैं सब, छुट्टी होगी, छूट गया। ये रोज चोट पड़नी चाहिए, रोज चोट पड़नी चाहिए, तब जाके काम होता है, एक आध दिन से काम नहीं होता है। अभी का किया हुआ भोजन कितने समय तक असर करता है? 6-8 घंटे। शाम का किया हुआ भोजन कितने समय तक असर करता है?
बारह घंटे 14 घंटे दूसरे दिन सुबह तक जो भी है, उसके बाद फिर असर खत्म। और असर खत्म हो जाएगा तो आपको दोबारा भोजन करने की जरूरत है, और दोबारा यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे करके शरीर अब क्या हो रहा है, खुराक दोबारा चाहिए ना। शरीर को यदि एक लिमिटेड टाइम के बाद दोबारा खुराक चाहिए, खाया हुआ भोजन एक लिमिटेड टाइम तक यदि असर करता है, तो ग्रहण किया हुआ ये तत्व ज्ञान भी लिमिटेड टाइम तक असर करता है। लिमिटेड टाइम के बाद में दोबारा आपको ये तत्व ज्ञान की खुराक चाहिए, यदि ये खुराक आपको दोबारा नहीं मिली तो असर खत्म, बात खत्म हो गई, फिर तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। फिर आप हमें मत कहना साहब, हम तो रोज सुनते थे, फिर भी क्या सुनते थे ना, क्या रोज सुनो जी साहब, रोज सुनते हैं फिर भी हमारे को ये प्रॉब्लम चल रही है, ये तकलीफ मिटती नहीं है, कि रोज सुनते हो आप, उसको ज्यादा लंबे समय तक उपयोग में घुमाते नहीं हो। दो ही बातें दिमाग में घूम सकती है, या तो लड़ाई झगड़ा विवाद मन मुटाव की बातें दिमाग में घूमेगी, या फिर ये तत्व ज्ञान की चर्चाएं दिमाग में घूमेगी। बोलो आपको क्या घुमाना है दिमाग में, आपको क्या घुमाना है, आपके हाथ में आप किस चीज को घुमा रहे हो, किसका रिपीटेशन कर रहे हो, आप किसका कंठ पाठ कर रहे हो, ये बताओ। कंठ पाठ समझते हैं आप क्या होता है, किसका कंठ पाठ कर रहे हैं आप? मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे साथ में जो किया है ना वो भूल नहीं सकता मैं, मैं तो इसको देखना, मैं तो ऐसा ऐसा दिमाग में, फिर थोड़ी देर बाद में अरे मैं भूल कैसे सकता हूँ, क्या कहा था इसने, क्या कहा था, भूल गया। अच्छा, फिर दोबारा उस वाक्य को याद करता है, फिर उस सेंटेंस को याद करता है, फिर उसको दिमाग में घुमाता है। तो कर क्या रहा है ये तो बता, उसको धारणा तक ले जा रहा है, पागल हो जाएगा पागल, तेरे पास अच्छी बातें नहीं है याद करने के लिए, अच्छी बातें याद करो, अच्छी जो अच्छी बातें नहीं है उनको याद मत करो। हमारे ये वीतरागी संत कहते हैं, अरे तूने यदि रागादिक विकारी भाव भी कभी किए हो तो स्मरण रखने योग्य नहीं है। स्मरण रखने योग्य तो ये है कि ये वीतरागी संत तुझे परमात्मा कह करके पुकारते हैं, ये वीतरागी संत तुझे ये कहते हैं तू ही शुद्ध है, बोलो तू ही बुद्ध है, तू गुण अनंत की खान है, सुन चेतना। बोलो ये क्या, सुन तो सुन भाई, क्यों साहब ये बोलते हो क्या नहीं, आप घर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप ये भजन गुनगुनाना शुरू कर, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू गुण अनंत की खान है, राग मुझ में नहीं मैं राग में नहीं। बोलो अब क्या है, आपको कुछ ना कोई चीज तो चाहिए चिंतन के लिए, उपयोग को बदलने के लिए, और तुरंत बदल दो, तुरंत जितना जल्दी बदलो उतना जल्दी अच्छा है, उससे काम होगा। ये यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो उदय तो आ गया, उपाय क्या किया इन्होंने, कुछ किया होगा, देखो पढ़ लिया ना अपन ने अन्वयार्थ तो पढ़ लिया, सरल अर्थ भी पढ़ लिया, सरल अर्थ वापस पढ़ो। जैसे अग्नि की अल्प क्षीण चिंगारी गीले ईंधन को जलाने में समर्थ नहीं है, वैसे ही अल्प तपश्चर्या से अतिशय महान पाप कर्म का निवारण कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं कर सकते। ऋषभ देव चाहते तो कर लेते, वार्षना चाहते तो कर लेते, तो कोई कैसे करे, मतलब सुपार्षना चाहते तो कर लेते, कौन करे कैसे करे, नहीं हो सकता। सर्वज्ञ भगवान कथित कर्म शास्त्र का नियम, कर्म शास्त्र, अब ये कर्म शास्त्र कहती तीन कर्म दिख जाने चाहिए, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म, ये तीन बातें दिख जानी चाहिए आपको। सर्वज्ञ भगवान कथित कर्म शास्त्र का नियम सिद्धांत अत्यंत सत्य और स्पष्ट है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष को भी कोई छूट नहीं है, व्यक्ति विशेष को भी कोई छूट नहीं है उसमें। वर्तमान कालीन जीव के परिणामों का निमित्त पाकर, देखो ऊपर जो व्यक्ति विशेष शब्द का प्रयोग किया है ना, इसमें महापुरुष लगा लेना,
माने रावी तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इनके साथ तो नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री ही था, उसको तो भूख नहीं लगती होगी। क्यों प्रधानमंत्री को भी भूख लगती है, क्या बात कर रहे हो? बुखार तो कैसे आएगा प्रधानमंत्री को बुखार? मजाक समझ रखी है आपने भी, डर भी नहीं रात को, उसको डर नहीं लगता होगा, उसको भूख नहीं लगती होगी, उसको नींद नहीं आती होगी। इंसान नहीं है क्या? इंसान तो है ना, व्यक्ति विशेष कितना भी बड़ा हो जाए, ये कह रहे हैं यहाँ पर उसको कोई छूट नहीं है। कारण सोच लेते हैं यार बड़ा आदमी है, इसको तो मैं कैसे, ये सोच लेते हैं ना इतना बड़ा आदमी है कैसे छापा मारे इसके यहाँ। ये सुन भाई, ये कर्म बड़े आदमी का लिहाज नहीं करते, क्योंकि कर्म की दृष्टि से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, कर्म की दृष्टि से तो कर्म ही है बस। वर्तमान कालीन जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पूर्वबद्ध पाप कर्मों का नाश होता है, पिछले पाप कर्मों का नाश होता है, अथवा पाप कर्म संक्रमित होकर, वो गजब, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर, परिणाम क्या है? भाव। इससे क्या होता है? पिछले बंधे हुए पूर्वबद्ध पाप कर्मों का नाश होता है, अथवा पाप कर्म संक्रमित होकर पुण्य कर्म रूप भी परिणमित हो सकते हैं। पिछले पाप पुण्य में बदल गए, ऐसा भी हो सकता है, और पहले के बंधे हुए पाप का नाश भी हो सकता है। तथापि इन दोनों अवस्थाओं के लिए जीव के यथा योग्य तप रूप परिणाम विशेष उग्र होना चाहिए। बोलो क्या करें? परिणाम विशेष उग्र होना चाहिए आपके, और उपयोग, और उपयोग। जैसे डॉक्टर को दिखाया, तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर ने दवाई दे दी, दूसरे दिन फिर जाकर के दिखाया हमने कि डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुआ, कि एक काम करो, कल दिन में दो टाइम लेते थे ना, आज चार टाइम लेना शुरू कर दो। क्या करते हैं? बोले इस बीमारी की दवाई तो यही है, चार टाइम से काम नहीं चल रहा है ना, एक काम करो, खुराक डबल कर दो, उससे उपाय होगा, उससे इलाज होगा। अब आपकी जो समस्या है ना, उसका इलाज मैंने क्या बतलाया? स्वाध्याय। ये उपाय बतलाया ना कि नहीं नहीं साहब उससे कुछ नहीं हुआ, और स्वाध्याय कि नहीं नहीं साहब दो घंटे करता था कुछ नहीं हुआ, खुराक बढ़ा दो, खुराक बढ़ा दो, उपाय तो यही है, समाधान तो यही है, इसके अलावा समाधान मिलेगा नहीं आपको। एक ही समाधान है, खुराक बढ़ा दो, यही उपाय है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। चिंतन बढ़ा दो, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दो, यही सब्जेक्ट, यही चीज, इसके अलावा और कुछ उपाय नहीं है। सारे दुनिया से दृष्टि हटाकर उपयोग यहाँ लगा दो, और यहाँ जो पड़ा है उसको यहाँ फीड कर लो। देखो आगे, यदि पूर्वबद्ध पाप कर्म अधिक स्थिति और अनुभव वाले हों, पहले के बांधे हुए कर्म ऐसे भी तो हो सकते हैं, अधिक स्थिति और अनुभव, स्थिति माने टाइम पीरियड, अनुभव माने फल, ज़्यादा स्थिति थी, ज़्यादा अनुभव वाले थे, तो उनके नाश का, नाश या संक्रमण के लिए, उनके नाश के लिए या संक्रमण के लिए उतने ही उग्र पुरुषार्थ रूप तप आवश्यक है। उतना ही उग्र पुरुषार्थ चाहिए, उतना ही तप जरूरी है जितना बड़ा काम था। यदि जीव उतना उग्र पुरुषार्थ करने में समर्थ नहीं है, तो पूर्वबद्ध कर्म उदय में आए बिना नहीं रहेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, इनको तो छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ बढ़ा लूंगा, मैं उनकी तरफ देखता ही नहीं हूँ। क्या एक व्यक्ति ने मुझे गालियाँ दी, गालियाँ दे रहा है, मुझे तकलीफ बहुत है, संकट बहुत है, परेशानियाँ बहुत है उसकी गाली सुनने से, एक काम करना कान बंद कर ले, अब देता रहे तो मुस्कुराता है कि ये मेरी प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। कान बंद करके अब क्या होगा बता? उसको रिटेंशन हो जाएगा। अब देखो क्या है स्थिति, तू सुनना बंद कर दे, तू देखना बंद कर दे, बाहर से देखना बंद कर दे, बाहर की सुनना बंद कर दे, अंदर देख और अंदर की सुन, काम हो गया। देखो लोकपाल मुनिराज को वर्तमान काल में यथा योग्य इच्छा निरोध रूप अथवा स्वरूप में प्रतिपन रूप आवश्यक तप नहीं हो सका।
ये नहीं हो सका, इतने स्थिर नहीं रह सके अपने स्वरूप में। इस कारण पूर्वबद्ध पाप कर्म के उदय से भस्मक व्याधि नामक महारोग हो गया। फिर क्या हुआ, ऐसा महारोग हो गया तो अब ये कह रहे हैं आगे दीक्षा का त्याग कर दिया। ये चर्चा किस प्रकार की है, इस चर्चा को हम कल आगे बढ़ाएंगे। उपयोग में ये चर्चाएं घूमती रहनी चाहिए। संयोग नहीं बदलने हैं क्योंकि वे नौकर्म हैं, परिणाम बदलने हैं क्योंकि वो अपने कंट्रोल में है। हम सभी अपने परिणाम बदलें, इस भावना से बात करें। दो लाइनें लिखी, यथा योग्य इच्छा निरोध रूप।